सारी सीटें जीतेंगे जीतेंगे। तो दोनों हाथ बुलाओ और दोनों हाथ उठाकर बुंदेलखंड के लोग जब हाथ उठा लेते थे तो लोग कहते थे के माध्यम से अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद रानी के बुंदेलखंडी लोगों, आप एक साथ बोलो जोर से, क्योंकि आयुध कारखाने में मिसाइलें भी बन रही हैं और पाकिस्तान तक जाने वाली है वो, इसे जोर से मेरे साथ से बोलो बोलो सब के किनारे सूरज डूबेगा, सम्मान की रक्षा होगी और दैनिक क्रिया से वो निर्वृत्त हो सकेगी, ऐसी अभिकल्पना हमारी बहनों के मन में होती थी, भेजना हमारे बहन। और जब तक हमारी जनता मूक दर्शक बन करके देखती रहेगी तो ऐसे ही प्रतिनिधि हमारे ऊपर सर पर चढ़ करके बोलते रहेंगे और हमारा तिरस्कार करते रहेंगे। मैं जनता से आह्वान करता हूं कि कोई भी जनपद हो, चाहे बसपा का हो भाजपा का, आज के आपके वहां पर काम किया है, आप क्या समझते हो, आप पढ़े लिखे लोग हो और आपको जानकर ये खुशी है ना कि पहले तो बुंदेलखंड के लोगों को मैं लखनऊ में जब मैं छोटा छोटा था, आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले या अभी 16 के पहले तक भी यह स्थितियां रही, पानी नहीं बरसा तो पता चला घर के पुरुष निकल इसलिए नहीं आता था, बिजली बुंदेलखंड में नहीं, अपराध बुंदेलखंड में जरूरत से ज्यादा, पानी बुंदेलखंड में नहीं और बुंदेलखंड में सड़क सड़क में गड्ढा या गड्ढे में सड़क बुंदेलखंड की विशेषता, कोई भी उद्योग लगाने नहीं आता था, हमने औद्योगिक नीति बनाई, मैं उस औद्योगिक नीति का अध्यक्ष बना और मंत्री समूह बना और मुख्यमंत्री जी का पहला निर्देश था कि हमें 19 की 19 सीटें बुंदेलखंड ने दी है उसको मुआवजा के तौर पर मैं ब्याज के विकास करा के उसे चुकता करना है, मुझे वहां के नौजवानों को रोजगार देना है, ऐसी नीति बनाओ कि बुंदेलखंड का स्वरूप बदल जाए। और हम लोगों ने सबसे पहले नीति यही बनाई कि उद्योग धंधे के लिए आर के पटेल और पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, हमारे प्रत्याशी रामकेश प्रसाद जी और सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बुंदेलखंड में एक बयार चल रही है, पिछली बार करंट था बीजेपी का, अब की बार विपक्षी पार्टियों के लिए हाई वोल्टेज करंट है और उनको इतना जोर से लगा है कि वो अपना अपने दलों की बात छोड़ के सारे दल आपस में मिलकर बीजेपी का मुकाबला करने का साहस नहीं कर पा रहे। हमने 44,000 करोड़ रुपए केन मेतवा प्रोजेक्ट को तज्ञों को जोड़ने के लिए दिया है, 1400 करोड़ से ऊपर हमने यहाँ हर घर नल के लिए दिया है, 1400 करोड़ से ऊपर यहाँ पर एक्सप्रेसवे के लिए दिया गया है और हर चीजों में आज यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोसेस चला है, उद्योग धंधे लगे, यहाँ पर बिजली आ रही है, यहाँ पर हर नौजवानों का एक घर में रोजगार सृजित हो, ये हमारा संकल्प है और हम कह सकते हैं कि जो कल पश्चिम का जो सकारात्मक चुनाव हुआ है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, जिस प्रकार से जो विपक्षी दलों के परंपरागत मतदाता थे उन्होंने भी बीजेपी के पक्ष में वोट दिया है, एक अच्छा वातावरण बना है और यही वातावरण पूरे प्रदेश में फैलेगा और बुंदेलखंड की 19 की 19 सीटों पर हम पिछले मार्जिन से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। दल बदलू दावा करते हैं कि तिंदवारी जल्द से जल्द जीती जाएगी, विकास नहीं हुआ, दलितों और शोषणों किया गया, इस पर क्या कहेंगे? इसलिए तो यहाँ पर जो रिजेक्टेड माल है वो दूसरी पार्टी का सिलेक्टेड माल बना है, हमारे वहाँ जो प्योर जो कार्यकर्ता है काम करने वाला उसी का गुंजाइश है। शर्मा जी, अभी आप बोल रहे थे कि पहले क्या होता था कि जो विधायक होते थे वो खम्भे सीमेंटेड डाल देते थे, आपके सांसद जी ने बताया कि 2 किलोमीटर 2 घंटे में यहाँ से दिल्ली का रास्ता तय हो जाएगा, अभी की स्थिति यहाँ ये है कि बेंदा से बांदा तक पहुँचने के लिए 2-2 घंटे लगते हैं, हमारे यहाँ का व्यापारी है कानपुर पहुँचने के लिए 4-4, 6-6 घंटे लग रहे हैं, बनने के बाद यही तो सारी चीजें दूर करने, तो बोला है आपने जो पूछा वही कहा। थैंक यू सर।